आज हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टिफायर के बारे में, जिसमें हम रेक्टिफायर में कई टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो हो सकता है आपके सिलेबस में ब्रिज रेक्टिफायर ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको ज़्यादा सिलेबस में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ना हो बट फुल वेव रेक्टिफायर जरूर होगा। फुल वेव रेक्टिफायर भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है, बट क्लियर सेंस है इसका फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। क्यों सेंटर टैप कहा जाता है इसको हम बताएंगे जब हम फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर आपको पढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की दो वीडियो बनेंगे क्योंकि हम इसको पूरा थारोली एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस और इसको वर्किंग पूरी डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सर्किट एनालिसिस करेंगे जिसमें इसकी वर्किंग देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके हाफ वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये तीनों चीज़ें हमें पढ़नी है बारी बारी से, तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफायर को हम क्यों यूज करते हैं, रेक्टिफायर हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। तो रेक्टिफायर वो होता है, रेक्टिफायर is that which converts AC into DC। रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस है जो AC को DC में बदलती है। आखिर क्यों जरूरत पड़ती है हमें AC को DC में बदलने की, हम क्या AC से काम नहीं चला सकते। तो आपको बताते हैं कि जो हमारे घरों में डिवाइसेस चलती हैं वो ज़्यादातर डिवाइसेस हमारी डायरेक्ट करंट पर काम करती हैं, डायरेक्ट वोल्टेज पर काम करती हैं, जो भी आप कहना चाहो। और हमारे घरों में करंट आने वाला होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो वो डिवाइसेस कैसे काम करेंगी अगर हम अल्टरनेटिंग से चलाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कई टाइप के रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। तो मेन AC को DC में बदलता है। और आपको ये भी बता दें कि कोई भी रेक्टिफायर कॉन्स्टेंट DC में नहीं बदलता। कॉन्स्टेंट DC का मतलब जिसका ग्राफ स्ट्रेट होता है, जानते होंगे आप। ये DC में नहीं बदलता, पल्सेटिंग DC में बदलता है। पल्सेटिंग DC का मतलब जिसमें फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट हो। फ्लक्चुएशन का मतलब जिसमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू लगातार चेंज हो रही हो। तो चलो आज हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहले उसका सर्किट एनालिसिस करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें हम सर्किट एनालिसिस पहले करते हैं। सर्किट एनालिसिस में हम आपको ये बताएंगे कि हम इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें AC सोर्स यूज करेंगे, अभी बता रहे हैं कि चीज़ को। फिर उसके बाद हम इसमें ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन कोई भी यूज कर सकते हो, अभी सब समझा रहा है। और थर्ड चीज़ हम सोर्स यूज करेंगे इसमें डायोड, और फोर्थ चीज़ हम यूज करेंगे इसमें लोड। लोड कह सकते हो, लोड रेजिस्टेंस कह सकते हो, इसको हम डिनोट करेंगे RL से। आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो, इसके आपकी डिपेंड है। डायोड को D से और ट्रांसफार्मर को चलो T से डिनोट करते हैं, AC सोर्स को AC सोर्स है ही। तो इसमें हम आपको ये बता दें, तो सबसे पहले हम AC सोर्स की बात करते हैं। तो AC सोर्स हमारा क्यों जरूरत होता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि AC को हम DC में बदलने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट तो चाहिए ही चाहिए। तो वो अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा कहाँ, किसी AC सोर्स से, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स हो, जो एक सोर्स हो, ठीक है, वहाँ से ही मिलेगा हमें। फिर हमें पड़ेगी ट्रांसफार्मर की। इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, इसकी वजह हमें इसलिए वजह ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ डिवाइसेस हमारी स्टेप। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदलता है, और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदलता है। तो जो ट्रांसफार्मर लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग में बदलता है उसको हम स्टेप अप, और जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है उसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे ज़्यादातर घरों में जो डिवाइसेज होती हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर यूज होती हैं। तो ज़्यादातर हम मोस्टली ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो आप पर डिपेंड है। तो हम यहाँ पर स्टेप डाउन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का काम। अब डायोड डी तो लगाना ही पड़ेगा करंट के लिए। फिर लोड रेजिस्टेंस क्यों निकाला गया, लोड रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा पावर का होता है, जिसको कह सकते हो हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, हाई रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है मेगा ओम, किलो ओम में, किलो ओम में इसका ऑर्डर होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर का, यानी कि 1000 5000 इस ओम का ये रेजिस्टेंस होता है। 1000 एग्जांपल है, हो कुछ भी सकता है, मतलब हाई ओम का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वेरी गुड।
और इसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस की बात एक और है कि इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज भी प्रोवाइड होता है। चलिए अब सर्किट डायग्राम और इसकी वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले इसके सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें इसी सोर्स की जरूरत पड़ी थी, बता ही चुके हैं। तो यहाँ से हमने एक एसी सोर्स लगा दिया और यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगा। ट्रांसफार्मर में हम जैसा कि जानते हैं प्राइमरी कॉइल होते हैं, इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ये हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, ये इसकी प्लेट्स होती हैं, ये अपने पूरी वर्किंग ट्रांसफार्मर की पढ़ी होगी 12th में। और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। और यहाँ पर हम डायोड डी लगाते हैं। एक डायोड की बात मैंने की थी शुरुआत में, वही हम यहाँ पर डायोड लगाते हैं। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये लोड रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलता है। इन दो टर्मिनल्स का हमने नाम दे दिया ए और बी, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। क्लियर क्लियर। ये डायोड डी है, ये रेजिस्टेंस आरएल है, ये टर्मिनल को हमने मान लिया, नाम दे दिया एम, इसको हमने नाम एन, और सेकंड ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा इसको हम पी से और इसको एस से डिनोट करते हैं। पूरे ट्रांसफार्मर को हम टी से डिनोट कर सकते हैं। ये सी सोर्स हो गया। अब माना गया, देखो अल्टरनेटिंग अगर हम करंट का डायग्राम बनाएं तो इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे इनपुट। तो इनपुट अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। ये हमने बनाया और ये करंट आई है। यहाँ पर आप वोल्टेज भी हो सकता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम चीज़ होगी, दोनों में ही ग्राफ ऐसा ही बनेगा और दोनों की कंडीशन सेम होगी। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसी करंट बह रही है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग है। ग्राफ पहचान गए होगे, छोटे पर पढ़ा होगा। सुनो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। ये पहली साइकिल है, ये पूरी एक साइकिल कही जाती है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ। ये पूरी एक साइकिल कही जाती है और ये जो है जीरो से पाई, ये एक हाफ साइकिल कही जाती है, जिसको हम ये पॉजिटिव साइकिल है, चलो पॉजिटिव कह लेते हैं, निगेटिव साइकिल है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव दो साइकिल हो गई, पाई से टू पाई दूसरी साइकिल और जीरो से पाई पहली साइकिल, बढ़िया। अब हम मानते हैं करंट की वैल्यू, यहाँ पर देखो चेंज हो रही है लगातार। यहाँ पे जीरो से लगाकर पहले मैक्सिमम करंट हो रही, फिर मैक्सिमम से घटते 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 फिर जीरो हो रही, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यानी कि हम इसे ये पता लगा लिए कि करंट की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहती है डीसी की तरह, यहाँ पर करंट वैल्यू की लगातार चेंज हो रही होती है। तुमने मान लिया यहाँ पर कोई भी एक एट एनी इंस्टेंट यहाँ पर करंट की वैल्यू आई, मान लो आई नहीं, करंट ऐसे बह रही। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन कह सकता है कि आपने करंट की डायरेक्शन कैसे शो कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट तो कौन से एक कह सकते हैं उसकी वैल्यू लगातार तो चेंज होती रहती है, तो आपने कैसे कह लिया यहाँ पे इस तरह है। तो आप कह देना कि हमने मान लिया कि एक एट एनी इंस्टेंट करंट की वैल्यू करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, वरना करंट की डायरेक्शन यहाँ पर एसी में फिक्स नहीं होती, ठीक है। ये करंट हमारी आई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में होती हुई सेकेंडरी कॉइल से होती हुई। अब सुनो, ये पहली साइकिल है जीरो से पाई, तो पहली साइकिल में क्या होगा, हमारा एम टर्मिनल पॉजिटिव और एन टर्मिनल निगेटिव होगा, ठीक है, जिस वजह से डायोड का ये पी रीजन होता है, डायोड का ये एन रीजन होता है। डायोड वाले वीडियो में सब क्लियर करा था, वो आप देख लेना वीडियो। तो डायोड का पी रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। एन रीजन निगेटिव से टर्मिनल से इस तरह देख सकते हो, ये देखो पी रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ऐसी बायसिंग हमने पढ़ रखी है, कौन सी होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें हमारी करंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लो करती है, जिसका ऑर्डर मिली एम्पियर होता है। तो करंट बहुत अच्छी फ्लो करती है, तो हमने मान लिया वो करंट ऐसी है जिस फिर उसके बाद लोड में आई और इसके क्रॉस हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के, लोड के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज मिलता है, करंट बही तो बढ़िया, आउटपुट वोल्टेज भी मिला। अब जरा हम आउटपुट का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो हमने आउटपुट में यहाँ पे बनाया, तो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिली। अब बताइए वोल्टेज का ग्राफ कैसा होगा, हमें ये मिल रहा, ऐसे ही मिल रहा, तो आप ये बताओ इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट होंगे कि नहीं प्रेजेंट होंगे। पहले ही बताया था आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में कि यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट डीसी नहीं मिलता है, यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी ये जीरो से पाई पहली साइकिल में हमें पहली साइकिल का ये सब पूरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो पहली साइकिल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और ऐसा ही मिलेगा, ऐसी ही करंट फ्लो करेगी। अरे थोड़ा सही बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा आउटपुट का ग्राफ है, आउटपुट, ये आउटपुट है, इसको करंट मान लो चाहे वोल्टेज मान लो, चलो आई मान लिया,
ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड हाफ साइकिल की। ये देखो पहली हाफ साइकिल क्या कौन सी होती है, जीरो से पाई, इसको पहली हाफ साइकिल कहते हैं। पूरी साइकिल कहेगा तो पाई जीरो से टू पाई पहली साइकिल है, हाफ साइकिल जीरो से पाई। अब दूसरी साइकिल की बात करते हैं पाई से टू पाई हाफ साइकिल की। तो जब ये पाई से टू पाई हाफ साइकिल होगी तो फिर से करंट आएगी। अब क्या होगा, एम टर्मिनल हमारा निगेटिव हो जाएगा और एन टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि डायोड का पी रीजन निगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से। ये बायसिंग हो गई हमारी कौन सी, रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में हम जैसा कि जानते हैं कि करंट बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लो करती है, या कह सकते हैं करंट नहीं फ्लो करती, फ्लो करती है बट वेरी वेरी लो करंट फ्लो करती है। आप 1,000 को अगर 2 से कंपेयर, 1,00,000 को अगर 100 से कंपेयर करोगे तो 100 को आप नेग्लिजिबल मानोगे। उसी तरह करंट बहुत ही कम फ्लो करती है, बहुत ही कम। तो जिस करंट बहुत ही बहुत बहुत कम फ्लो करती है, नेग्लिजिबल मानती है, तो हम आउटपुट वोल्टेज भी मानते हैं कि कुछ नहीं है, या फिर आप मतलब थोड़ा कह सकते हो बहुत कम आउटपुट मिलता है, हमें मिलता ही नहीं, उसको हम नहीं मानते। अब थर्ड जब हाफ साइकिल आएगी फिर हमारा एम टर्मिनल पॉजिटिव एन टर्मिनल निगेटिव, जिससे डायोड का पी रीजन पॉजिटिव, फिर से वही फॉरवर्ड बायसिंग वाली कंडीशन आएगी और फिर से हमारा ये ग्राफ हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ की तरह आउटपुट में हम देखते हैं हमें आउटपुट में मिल क्या रहा है। तो यहाँ पे हम जो गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि करंट हमारी एक साइकिल में मिलती ही नहीं है, पाई से टू पाई में हमें करंट नहीं मिलती है ड्यूरिंग पाई टू टू पाई साइकिल, वी गेट नो आउटपुट। हम पाई से टू पाई साइकिल में, पाई से टू पाई हाफ साइकिल में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता, यानी कि हमें कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता। तो ये तो बहुत ही ख़राब बात हो गई, हमें आउटपुट चाहिए था और हमें सिर्फ कुछ ही साइकिल मिला। इस तरह आप ये जो है ग्राफ ये बढ़ता ही चला जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा, फिर हमें मिलेगा जब फॉरवर्ड कंडीशन आएगी, मतलब जो फॉरवर्ड बायसिंग में यहाँ पर करंट मिलेगा और आउटपुट भी मिलेगा बट रिवर्स में हमें नहीं मिलेगा। तो पाई से टू पाई में हमें करंट नहीं मिल रहा या आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो ये तो प्रॉब्लम की बात है। तो इसी वजह से ये रेक्टिफायर एक परफेक्ट रेक्टिफायर नहीं है एसी को डीसी में बदलने में। और यहाँ पर एक बात और देखी गई कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट्स के कंपोनेंट्स, एसी कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि अनडिजरेबल है। अनडिजरेबल का मतलब हम नहीं चाहते हैं जिन्हें, ठीक है, वो हैं। तो एसी कंपोनेंट बहुत है, हमें डीसी में बदलना था, रेक्टिफायर का मकसद यही था कि एसी को डीसी में बदले, बट यहाँ पर एसी का कंपोनेंट ज़्यादा होने की वजह से ये रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा डिवाइस टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो हम इस डिवाइस को की जगह अब फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डिवाइस अच्छी नहीं है। और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे पूरा मैथमेटिकली, जितना भी वर्किंग हमने पढ़ी कि ये करंट आई साइकिल में, साइकिल में हमें कुछ नया आउटपुट मिला, उसका हम पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूरा इस जितना आज वर्किंग पढ़ी ये तो थ्योरेटिकली पढ़ी, बट हम तो पूरा मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, बट इसकी नेक्स्ट वीडियो में।